इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति बनाने को लेकर इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा दिए जा रहे धरने के 8वें दिन पंचायती राज्य कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने पहले भी मुख्यमंत्री के नाम इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है। मंत्री मीणा के द्वारा पुनः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता कर इसके पूर्ण समाधान के लिए आश्वस्त किया गया है। इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण के धरने को संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने भावनात्मक आंदोलन बताया है। प्रदेशाध्यक्ष मीणा ने बताया कि इंटर डिस्कॉम का मुद्दा हजारों परिवारों की भावनाओं से जुड़ा आंदोलन है। इसी के कारण अब बिजली कर्मियों के परिजन भी बड़ी संख्या में धरने में शामिल होने लगे हैं। मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार बिजली कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जिसके कारण बिजली कर्मियों में लगातार सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है, जिसका परिणाम सरकार को आने वाले चुनाव में भुगतान पड़ेगा। मीणा का कहना है कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण के द्वारा सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं किए जाते। इसके लिए लगातार विधायकों और मंत्रियों को भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं। डिस्कॉम कर्मचारी जो कि धरने में बैठे हैं इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर के लिए, साथ में परिजन भी बैठे हैं। मेरा छोटा भाई भी जोधपुर में पोस्टेड है। इंटर डिस्कॉम की जो पॉलिसी है उसके तहत उसका तबादला जयपुर डिस्कॉम या अजमेर डिस्कॉम में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मेरे बुजुर्ग माता पिता को काफ़ी समस्या रहती है। मैं भी शहर से अधिकतर समय बाहर रहता हूँ, तो उनका रखरखाव करने के लिए घर पर कोई नहीं रहता है। सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए और जो इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर में छूट प्रदान करनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, जो कर्मचारी है और कर्मचारियों के परिजनों की असुविधा को देखते हुए ट्रांसफर की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए और मैं इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर की मांग करता हूँ।